मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रति माह दिए जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। पानी भी लेता हूं ना। महापौर नगर निगम को 4000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 24000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपमहापौर नगर निगम को 3000 बढ़ोतरी के साथ 18000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। काउंसलर नगर निगम को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए प्रति मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष नगर परिषद को 1700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10200 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष नगर परिषद को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। पार्षद नगर परिषद को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रधान नगर पंचायत को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान नगर पंचायत को 1100 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6600 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य नगर पंचायत को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में हम डेमोक्रेसी के सभी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, हम उसको कमजोर नहीं करना चाहते। शहरी क्षेत्रों में नहीं, एमएलओ से तो काट कर दे रहा हूं इनको। शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य विकास निदेशालय में एक पर्यावरण सेल की स्थापना की जाएगी। शहरी निकायों के कार्य में सुधार तथा आम जनता की सुविधा के लिए शहरी निकायों की कार्य प्रणाली को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में सहायक सिद्ध होगी। इसी पहल के अंतर्गत शहरी निकायों में विभिन्न शुल्क एवं टैक्स ऑनलाइन इकट्ठे किए जा सकेंगे तथा विभिन्न सर्टिफिकेट एवं एनओसी ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। इसी के अंतर्गत शहरी निकायों के अकाउंट्स को डिजिटाइज किया जाएगा। एजी सैक की सहायता से सभी शहरी निकायों में परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे, मैं आज उनके नाम से महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने की घोषणा कर रहा हूं। अभी अभी राम मंदिर भी बना, तो इसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तथा उनके पास अपना घर ना हो को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैं मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो को गृह निर्माण के लिए दी जा रही 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की घोषणा करते हैं। जितने भी विधवाएं हैं उनको घर बनाने के लिए जो 1.5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री के द्वारा हमने शुरू की है, उसमें उनको घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और उनकी आय की सीमा भी हमने तय की है कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।